12 o'clock midnight. और से देखिए, ये मेरी बीच अजीब जानवर ही है, बहुत ही मुश्किल से पाया जाता है। वी आर वेरी लकी टू फाइंड हिम, ओनली वन इन इंडिया। ये बहुत ही विचित्र विचित्र प्रकार की आवाज निकालता है, जैसे कि मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय। बैक टू आवर चैनल, तो आप सोच रहे होंगे कि आज के व्लॉग मैं क्यों कंटिन्यू कर रहा हूँ, क्योंकि अभी हिमांशु भैया नहा रहे हैं। तो चलो अपन हिमांशु भैया से पूछते हैं कब तक आएंगे वो। हिमांशु भैया कब तक आओगे आप? तो हिमांशु भैया को तो अभी देर लगेगी थोड़ी। तो गाइस अपन बाहर ही नहीं जा सकते क्योंकि बाहर का मौसम बहुत गर्म हो रहा है, बहुत गर्म गर्म हवाएं चल रही हैं। चलो अब मिलते हैं अपन बाद में, तब हिमांशु भैया आ जाएंगे। ओके तो गाइस नहाने के बाद अभी मैं रेडी हो चुका हूँ पूरी तरीके से, एंड बाकी के जो मेरे फैमिली मेम्बर्स हैं वो रेडी हो रहे हैं गाइस। तो आप लोगों को मैं बता दूँ कि हम लोग जो है ना गाइस, प्रदीप मिश्रा जी की जो है कथा हो रही है पीपल्स मॉल में, वहाँ पे उसको सुनने जा रहे हैं गाइस। बहुत ही ज़्यादा भीड़ पड़ने वाली है, तो मैं आपको बताऊंगा गाइस, देखते हैं अपने पास से जो है महाराज जी के दर्शन होंगे। बिकॉज आपको बता दूं ना गाइस, बहुत ही ज़्यादा भीड़ पड़ती है यार, जब महाराज जी आते हैं ना तो बहुत ही ज़्यादा भीड़ पड़ती है। किसी का कहीं का भी देख लो आप, वो सीहोर में जाते हैं एंड उसके बाद भोपाल आते हैं, बहुत सी जगह जाते हैं ना, सब जगह यार बहुत ही ज़्यादा भीड़ पड़ती है। तो फिर इसी के साथ मैं तो तैयार हो चुका हूँ, बाकी लोग तैयार हो रहे हैं, जैसे ही तैयार होते हैं फिर हम लोग घर से जल्दी से निकलते हैं, देन उसके बाद मिलते हैं आपको वहाँ पे। ओके तो गाइस सब लोग अब तैयार हो चुके हैं, देन उसके बाद अभी जल्दी से अपन निकलते हैं, देन उसके बाद आपको आगे मिलेंगे। तो फिर आप लोग मिलिएगा आगे, चलिए बाय। फाइनली हम लोग जो है पीपल्स मॉल में पहुंच चुके हैं। यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे यार, बहुत ही ज़्यादा भीड़ हो रही है यहाँ पे, बहुत ही ज़्यादा पब्लिक है। एंड अभी जो है हम लोग जल्दी से अंदर चलते हैं, देन आपको जो है आगे का व्यू बताते हैं गाइस, किस टाइप का व्यू मिलता है। ओके तो गाइस आप देख पा रहे होंगे प्रदीप मिश्रा जी जो है यहाँ से बहुत दूर है भाई, बहुत ही ज़्यादा भीड़ है। तो ये टीवी पे मैंने आपको जो है बता दिया एलईडी वॉल पे, एंड वो आप स्टेज पे देख पा रहे होंगे यार, बहुत ही ज़्यादा जो है भीड़ है यहाँ पे, बहुत ही ज़्यादा लोग जो है देखने आए हैं। एंड अभी ये जो है आरती का समय था, एंड इसके बाद गाइस हम लोग जो है पीपल्स मॉल में घूमने निकल गए। जो पीपल्स मॉल है गाइस वो मैंने घूमा है, तो यहाँ पे देखो टावर, आपको आईफिल टावर टाइप दिख रहा होगा ये जो है, ये सामने दिख रहा है। देन उसके बाद ये जो है ये एंट्रेंस बना था, एंड गाइस ये भी देखो ये कुछ बंद करके रखा है, तो हो सकता है भाई यहाँ पे भी कुछ जो है पार्क टाइप का हो। एंड उसके बाद फिर हम लोग और आगे बढ़ गए, तो देखते जाइए यार कुछ कुछ नई नई चीजें बन गई हैं यहाँ पे। ये देखो ये कुछ स्ट्रक्चर सा बन रहा है यहाँ पे, एंड ये हिल टाइप की है, ऊपर जो है टॉप पे आपको दिख रहा होगा, वहाँ पे मैं गया हूँ यार, ज़्यादा कोई खास नहीं है। एंड ये बगल में पार्क है, एंड एक साइड जो है पानी का तालाब है छोटा सा। एंड ये देखो ये रेड फोर्ट है यार, रेड फोर्ट की जो है यहाँ पे ये रेप्लिका टाइप बनाई हुई है पीपल्स मॉल में। पीपल्स मॉल में जो है सेवन वंडर्स की सारी रेप्लिका है, तो ये देखो ये रेड फोर्ट है भाई, ये उसकी रेप्लिका है। एंड ये आपको दिख रहा होगा ये ताजमहल है गाइस, ये इसकी रेप्लिका है ताजमहल की। ये फाउंटेन था, एंड उसके बाद यार ऐसे घूमते घामते जो है हम लोगों ने पूरा मॉल एक्सप्लोर कर लिया। ये देखो ये पार्क है भाई, एंड उसके बाद ये देखो कुछ कंस्ट्रक्शन का काम लगा, ये बन रहा होगा। एंड उसके बाद भीड़ यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा हो रही थी यार, भीड़ बहुत ही ज़्यादा। ये यार ये मुझे समझ में नहीं आया, हो सकता है मिलान हो, बट मिलान नहीं होगा, ये वो स्टैचू ऑफ लिबर्टी दिख रही होगी आपको, बिकॉज पहले वही बड़ी थी ऑफकोर्स, तो वही था। एंड ये देखो गाइस ये थोड़ा सा पानी भरा है, एंड उसके बाद गाइस अब आ जाते हैं बाहर। तो यार बाहर देखो कितनी ही भीड़ हो रही है यहाँ पे, कितनी ही क्राउड हो रहा है भाई, आप तो क्राउड देखो बस। एंड इसके बाद गाइस अब अपन चलते हैं घर पे, तो फिर मिलते हैं आप लोगों से घर पे, तो चलिए मिलेंगे आगे। ओके गाइस तो फाइनली हम लोग जो है घर आ चुके हैं यार। आपको बताना चाहूंगा गर्मी पता है वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा हो रही थी, पंडाल के अंदर उतनी नहीं लग रही थी, बिकॉज वहाँ पे जो है मैनेजमेंट काफ़ी अच्छा था भाई, बहुत ही अच्छा कहूँगा मैनेजमेंट, बहुत ही ज़्यादा अच्छा किया गया था। एंड उसके बाद अभी बता दूँ भाई बाहर बहुत ज़्यादा गर्मी थी, तो अभी हम लोग जो है घर आ चुके हैं गाइस। देन उसके बाद अभी एक और काम है यार, एक और काम क्या है, वो जो है अनंत जा रहा है इंदौर, अनंत जा रहा है, इसका मतलब मेरी जो बड़ी मामी है ना वो इंदौर जा रही है, तो इस वजह से हम लोग को जो है स्टेशन छोड़ने चलना है। अभी जो यार एनर्जी डाउन लग रही है, बिकॉज गर्मी में से आया ना, आपको ही पता होगा यार गर्मी में थकान बहुत ज़्यादा
जल्दी हो जाती है, तो थोड़ा रेस्ट करते हैं फिर उसके बाद छोड़ने चलते हैं। तो यार आनंद से बात कर लो यार, लड़का भी बहुत जो है थक गया यार, एनर्जी डाउन हो गई बेचारे की। तो फिर उसके बाद जो है हम लोग आगे का ब्लॉग जो है कंटिन्यू करते हैं। तो यार आनंद को देखो जरा, उसको देखो। अब हम बहुत ज़्यादा थक चुके हैं और अब हमको इंदौर जाना है, तो हम थोड़ा सा रेस्ट कर लेंगे फिर उसके बाद हम इंदौर जाने के लिए तैयार होंगे। ठीक है, बाय। Two hours later. Okay guys, so अपन स्टेशन पे आ चुके हैं। ये देखिए तिरंगा हमारा लहराता हुआ तिरंगा, देन उसके बाद अब अपन चलते हैं अंदर। गाइस ये जो है ना जो है यहाँ पे चालू हो गया है, तो यार देखो बहुत प्यारा जो है लुक में बनाया है, बहुत ही ज़्यादा बहुत ही प्यारा तरीके से स्टेशन बनाया है यार, लग ही नहीं रहा स्टेशन है। एंड ये सामने देखो सांची स्तूपा जो है बना हुआ है, एंड ये जो है टिकट काउंटर है, यहाँ से टिकट अपन परचेज कर सकते हैं। कैसा लग रहा तुम्हें इंदौर जाके? एंड गाइस अनंत लोग को छोड़ने के बाद ना मुझे भी जो है घर जाना था, तो मैं जल्दी से स्टेशन आ गई। ये देखो आपको ऊपर सोलर पैनल दिख रहे होंगे, वो सोलर पैनल लगे, तो चलो अब अपन जल्दी से जो है घर निकलते हैं यार, घर पे मिलेंगे आप लोगों से। ओके तो गाइस फाइनली अब हम लोग जो है अपने होम टाउन पहुँच चुके हैं बीना। यार मैं जो है बहुत ही ज़्यादा थक गया हूँ, अब अपन जो है सीधे घर चलते हैं, बाकी की बात अपन वहाँ पे जाके करेंगे, बिकॉज अभी जो है बहुत थकान हो रही है गाइस। तो जल्दी से घर पहुँचते हैं, देन उसके बाद देखते हैं अपन जो है ब्लॉग जो है ख़त्म करूँगा। आई थिंक बहुत टाइम हो गया है, ब्लॉग भी ज़्यादा लंबा ना हो इस वजह से। ओके तो गाइस फाइनली अब हम लोग अपने होम टाउन बीना आ चुके हैं गाइस। तो मैं बताना चाहूँगा यार क्या हुआ ना, भोपाल में मेरे को अर्जेंटली बीना आना पड़ा, इस वजह से मैं शूट वगैरह नहीं कर पाया बीच में। तो यार थोड़ा बहुत जो एडजस्ट कर लेना। ओके तो यार थोड़ा बहुत एडजस्ट कर लेना। एंड अभी जो है भाई मैं बहुत ही ज़्यादा थका हुआ हूँ, बिकॉज पता है ना क्या हुआ था, भोपाल में जो है बहुत ही ज़्यादा धूप थी यार सुबह से लेकर शाम तक, की वजह से जो है बहुत ज़्यादा थकान हो गई घूमते घूमते। एंड अभी जो है हम लोग अपने होम टाउन घर आ चुके हैं भाई, एंड मुझे ना अर्जेंटली घर आना पड़ा भाई, इस वजह से ब्लॉग प्रॉपरली शूट नहीं कर पाया मैं। उसके लिए जो है थोड़ा बहुत एडजस्ट कर लेना, नेक्स्ट टाइम से आगे से नहीं होगा यार। एंड उसके बाद भाई अभी जब से मैं सोया हूँ ना भाई, जब से अभी जाके उठा हूँ, तो मुझे लगता है आज का व्लॉग जो है ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहिए आज के व्लॉग को। तो यही था हमारा आज का व्लॉग, मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में गाइस, तब तक के लिए बाय बाय, कीप वॉचिंग, स्टे ट्यून, बाय बाय गाइस।